वेलकम बैक सैनी साहब। अभी जो थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल पूछ देंगे, आज ये दुनिया न्यूज़ के एक प्रोग्राम में अली अहमद कुर्द साहब, जो कि लॉयर्स मूवमेंट में के बड़ी रूहे रवां थे और चीफ जस्टिस साहब को उन दिनों बड़े करीब भी थे, उन्होंने भी कुछ ऐसी बात की आज ही दुनिया न्यूज़ के एक प्रोग्राम में, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखते हैं। आई नाजरीन देखते हैं। मैं ये कहता हूँ, मैं किसी वो दस्ती साहब हैं कि जमशेद दस्ती साहब किसी को नहीं जानता हूँ, अहमद रियाज है कौन है ना जानता हूँ, ना कभी मैं जिंदगी में खुदा की कसम इनका नाम नहीं सुना। मगर मैं ये सोचता हूँ कि हाई कोर्ट हुई, बाकी छोटी अदालतों को आप छोड़ दें, हाई कोर्ट हुई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ये बड़ी अदालतें हैं। बल्कि आम आदमी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद तो फिर खुदावंद ताला की अदालत है, कोई अदालत नहीं है। ठीक, ये दो दिन में जो दो या तीन दिन में जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जो दस्ती जमशेद दस्ती के साथ हुआ, जो अहमद रियाज के साथ, दो दुनिया का पड़ा आप सुना है, ये सुना है। अब मैं गरीब आदमी हूं या एक मिस्कीन आदमी हूं, मेरा कोई भी झगड़ा है, मेरा मेरे रिश्तेदार का, बड़ी बड़ी अपीलें आई हैं, उसके बाद खुदा व तआला की अदालतें हैं, मैं तो मेरे जहन में ये है कि ये बड़ी अदालतें हैं, या मुझे रहम मिलेगा, मुझे यहाँ रहम मिलेगा, मेरे साथ जितना भी जुल्म हुआ है उसके सिले में मुझे रहम मिलेगा, तस्कीन होगी मुझे। मगर जब ये रवैया मैं देखता हूँ तो मुझे तो, हालांकि मेरा मैटर लगा है या नहीं लगा है, मगर अपीलें हैं मेरी, मुझे खौफ हो जाता है। जी हाँ, वही मतलब है, मैं भी यही कह रहा था कि यू नो सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जितने इकदाम लिए जा रहे हैं और जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन सुप्रीम कोर्ट चाह रही है, जरदारी साहब के लिए ये उनके गिर्द वो कहा जा रहा है घेरा तंग हो रहा है, थिंग्स आर क्लोजिंग इन फॉर हिम। यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही है। मगर जरदारी साहब के जो घेरा, वो जो नूस इज टाइटनिंग शैल वी से, वो तो सही है। कुछ अरसे से मैं ये कह रहा हूँ कि अटैक जो जरदारी साहब पे आ रही है या आएगी, वो ज़ाहिर है जो जुडिशरी से आएगी, और चुन चुन के उनके जो करीबी दोस्त हैं जिनके ऊपर संगीन इल्ज़ाम है उनको एलिमिनेट किया जाएगा, भाग जाएंगे, कोई प्रेशर के अंदर आ जाएंगे कि ऐसे होगा, ताकि उनका जो पिलर्स है ना ऑफिस सपोर्ट, उनको फारग किया जाए, ताकि वो आइसोलेट होते जाएँ। और साथ साथ ये जो है ना, ये स्विस केस और ये सारा कुछ, और आज आपने सुन ही लिया, उन्होंने कहा हमारे पास उनकी इम्यूनिटी का केस ही नहीं आया अभी तक, अभी तक प्लीड ही नहीं, अभी तक किसी ने प्लीड ही नहीं किया, एज फार एज वी आर कंसर्न। इसका यही मतलब है ना, हाँ जी, हाँ कि हमें आके पूछें कि वो है इम्यूनिटी या नहीं है, एज लॉन्ग एज फार एज वी आर कंसर्न देयर इज नो इम्यूनिटी, अगर है तो बताएं इम्यूनिटी किस क्लॉज के तहत है। तो बिल्कुल उन्हें कहते हैं द शू इज ऑन द अदर फुट, उन्होंने मतलब उनके ऊपर डाल दिए। अब सारा पाकिस्तान एतजाज एहसन से लेके आप और मुझ तक और सब बंदा ये कह रहा है कि वो इम्यूनिटी है, नवाज शरीफ भी यही कह रहा है कि इम्यूनिटी है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हमें नहीं पता इम्यूनिटी है कि नहीं, समझ रहे मेरी बात। तो मूड इज क्वाइट ऑब्वियस, और रहमान मलिक साहब टारगेट लाइन में, और भी लोग हैं जिनके अब नाम मुझे लेने की जरूरत नहीं है, वो आप देखते जाएंगे कि कैसे कैसे टारगेटिंग शुरू होगी, मिनिस्टर्स आ जाएंगे उनको बुला लिया जाएगा, बाबर अवान साहब के ऊपर आएगा, अटर्नी जनरल, ये सब के ऊपर पहले किसी किस्म का शेडोज तो है ना, तो इसलिए ये टारगेटिंग शुरू हो जाएगी। मगर अब जरदारी साहब क्या करेंगे, अब जरदारी साहब के पास तीन ऑप्शन है ना, एक तो ये कि जैसे पहले वो चुप करके बैठे हुए हैं वो बैठे रहें, और वन बाय वन उसके उनके दोस्त वो उनको पिक ऑफ किया जा रहा है, और इवेंचुअली दिल बी अ नॉकआउट पंच ऑन सम काउंट ऑफ द अदर। एक तो ये ऑप्शन है कि इंतजार फरमाइए, वक्त आ रहा है आपका। दूसरा ये है, मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ, वेट फॉर द डूम्सडे। दूसरा ये है कि वो सोच लें कि भाई वक्त आने वाला है, तो बेहतर ये है कि बोरी बिस्तरा बांधे और अलविदा काफिला। वो तो कहते हैं, मैं भाई सुन तो लो, वो तो कहते तो बहुत कुछ है, कहते तो बहुत कुछ वो तो कहते हैं मैंने 8 साल जेल भी काटी है, मेरा क्या प्रूव आप नहीं कर सके, आप क्या करेंगे, अब जाने दें, मैं एम्बुलेंस पे जाऊंगा, छोड़े। तो वो मैं तो ऑप्शंस की आपको बात बता रहा हूँ, थ्योरेटिकली वो ये कि वो कहेंगे जी बोरी बिस्तरा उठाया और मैं जा रहा हूँ, आप संभालिए अपने मुल्क को, मैं अय्याशी करता हूँ जाके, क्या इस गंद में मैं फंसा हुआ, कुछ छोड़ता नहीं, ना हुकूमत हो रही है, बदनामी भी हो रही है, ऊपर से गाली भी पड़ रही है, पल्ले भी कुछ नहीं पड़ रहा, तो और मेरे लोगों को भी अब किया जा रहा है। तो ये दूसरी ऑप्शन है कि वो उठ के चले जाएं और गिलानी साहब को कहें भाई तुम चलाओ पार्टी, जो मैं चेयरमैन रहूँगा, बस तुम चलाओ, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। और वो आगे भी एक पिटिशन आ रही है, आपको पता ही है, वो पिटिशन चल रही है कि जी आप दो ओहदे नहीं रख सकते, तो हो सकता है उसमें तवक्को ये हो कि शायद उस पिटिशन से पहले ही मैं वो जजमेंट ही ना आ जाए मेरे खिलाफ कि जी आप, तो फिर छोड़ना पड़े, तो बेहतर ही है कि मैं अभी, एक सेकंड ऑप्शन है थ्योरेटिकली। तीसरी ऑप्शन ये है कि सोचेंगे अच्छा भाई ठीक है,
ठीक है फिर हम भी लड़ेंगे। अच्छा ऐसी है ना, लड़ेंगे हम। अब लड़ाई का क्या, तो पहले तो ऑप्शंस तो बड़े ऑब्वियस है ना कि वो उसकी तो डिस्कशन की जरूरत नहीं है। डिस्कशन किसकी जरूरत है ना कि लड़ाई करनी है तो कैसे करनी है, सुप्रीम कोर्ट के साथ छोटी बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट का तो पहले नहीं, सियासी बात है ना इसकी। मैं इसलिए कह रहा हूँ सियासी बात है, आज नहीं दो दिन पहले टाइम मैगजीन में एक आर्टिकल छपा है, अगर आप इजाजत दें तो मैं ये सियासी बात का जरा कॉन्टेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करूं। मैं लाया हूँ साथ, मुझे पता था कि ये सियासी बात होनी आज क्योंकि आप बाज नहीं आते और सियासी बातें। उसमें ये खातून है रानिया अबू जैद, इन्होंने टाइम मैगजीन में लिखा, आखिरी सेंटेंस मैं इस मजमून का आपको पढ़ के सुना दे, 27 तारीख का जी। व्हाटएवर द आउटकम ऑफ द पर्टिकुलर बैटल्स ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड वेरियस कोर्ट केसेस, व्हाट रिमेन्स क्लियर इज जस्टिस चौधरी, व्हाइल होल्डिंग एन ऑफिस दैट इज ऑस्टेंसिबली अबव पॉलिटिक्स, विल रिमेन इन द थिक ऑफ इट। कहने का क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस का जो ऑफिस होता है उस पर सियासत नहीं होती, तो जितनी भी कोशिश कर लें ही विल रिमेन इन द थिक ऑफ इट पॉलिटिक्स, कि ये सियासत ही हो रही है और वो सियासत की जो पॉलिटिक्स हो रही है पाकिस्तान में, चीफ जस्टिस साहब उस सियासत के राइट अंदर फंसे हुए, ये वो कह रहे हैं। अब बात यह सब सियासत तो हो रही है, सबको समझ आ रही है, अगर वो ना भी हो मगर दुनिया यही समझ रही है कि सियासत हो रही है। अच्छा अब अर्जी है कि मैंने आपसे सियासत, अब अगर सियासत करनी है जरदारी साहब तो बड़े बड़े ऑप्शन हैं उनके पास। एक ऑप्शन तो ये है वो कहे मैं तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रहा हूँ, मुल्क को बचा रहा हूँ, सारी प्रोविंसेस को साथ लेके जा रहा हूँ, पावर्स अपने सारे छोड़ रहा हूँ, थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टरशिप भी इजाजत दे रहा हूँ आपके फेवरेट को, तो आप मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है मैं नहीं करता ये, और बलूचिस्तान में और कराची नहीं तो सिंध में और फ्रंटियर में जलसे जुलूस निकलने शुरू हो जाए कि जी हमें अपनी हमें फोकस करें आप पॉलिटिक्स के ऊपर। सिंध की आर यू रेफरिंग टू द सिंध कार्ड? आई एम टॉकिंग नो नो आई एम टॉकिंग बट नॉट द सिंध कार्ड बट द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कार्ड, ओके नॉट जस्ट द सिंध कार्ड, यहाँ आप उनकी प्रोमिसेस जरदारी साहब के साथ तो वो फेडरेशन का कार्ड प्ले कर सकते हैं, वो कह सकते हैं लोग मांग रहे हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, आप मेरे गले भी पीछे पड़े हैं, मैं कुछ और करने जा रहा हूँ आप मुझे छोड़ते नहीं, प्लेट अप मतलब है कि अगर वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो जाए कि ये पंजाबी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट जो है सारे पाकिस्तान को डीरेल कर रही है, वो बेचारी मिलिट्री भी जबरदस्ती उसको बीच में डाल दें तो फिर कहाँ जाएंगे। तो जरदारी साहब एक तो सब कार्ड्स खेलने के लिए तो बड़े कार्ड्स हैं ना, पिछली दफ़े भी आपको याद होगा जब जरदारी साहब अंडर प्रेशर आए तो वो सिंध चले गए, उन्होंने सिंध कार्ड प्ले किया तो फिर थोड़ी देर के लिए वो ये जुडिशियल सियासत जैसे आप कह रहे हैं लॉयर्स की सियासत वगैरह ये रुक गई। आज की तारीख में क्राइसिस है सिटी साहब, इस मैं इस हवाले साहब से बात करना चाहूंगा, आई हैव टू टेक अ ब्रेक है नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, आपके एसएमएस आ रहे हैं, कॉल्स भी आपकी लेंगे हमारे साथ।